सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आने वाली आपकी अनेकों पीढ़ियों के लिए मैं लगा हुआ हूं ताकि उनको वो ऐसी बीमारी ना आए। कोई गरीब कुपोषण का शिकार ना हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते और इसलिए वो इस चुनाव में जूट की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ, कभी संविधान को लेकर झूठ, और इन्होंने पूरा इकोसिस्टम ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए 24 घंटे लगा के रखा है। साथियों, आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर, ये चोर मचाए शोर वाला है। धर्म के आधार पर आरक्षण बाबा साहब के सिद्धांतों के खिलाफ है, बाबा साहब की भावना के खिलाफ है। संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसकी पीठ में छुरा भोंकने वाला ये माफ न कर सके ऐसा पाप है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनका आरक्षण छीन करके माइनॉरिटी के नाम पर अपने वोट बैंक को दे देना। और मैं ये ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास मजबूत उदाहरण है। और इसलिए मेरे भाई बहन, आप घर घर हर एक आदिवासी परिवार को समझाइए, और मेरे आदिवासी समाज के पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप समाज को जगाइए। ये कितना बड़ा संकट कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात ओबीसी बना दिया, एक ऑर्डर निकाल दिया, मुख्यमंत्री ने थप्पा मार दिया। अब हुआ क्या, जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा ये रातों रात ओबीसी बन गए, उन्होंने लूट लिया। अब बताइए, ये वो आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं, वो दलितों के लिए करना चाहते हैं, और ये कर्नाटका का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने के लिए, और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये महाअघाड़ी, ये महाअघाड़ी आरक्षण का महापक्षण का महाअभियान चला रही है। वहीं एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण बचाने के लिए मोदी महारक्षण, आरक्षण का महारक्षण का महायज्ञ कर रहा है। महाराष्ट्र